शुभम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। गद्दे चादर पर्दे डोरमेट सोफे की गद्दी व कवर दोहर कंबल रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज बजाजी लाइन दमोह। 55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदाबाहू कॉम्प्लेक्स दमोह बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। शनिवार की शाम दमोह जिले में हुए गोलीकांड मामले के बाद पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा बयान जारी किया गया है, जिसमें उनके द्वारा आरोपियों के संबंध में क्या कुछ कहा गया। वहीं उनके द्वारा आरोपियों पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह का, आइए सुनते हैं। कानून अखबार की हत्या जो हुई है कोई सामान्य घटना नहीं है, सामान्य हत्या का मामला नहीं है, गंभीर मामला है। जिस प्रकार से हत्या की गई है वो इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। और इसमें क्योंकि घटनास्थल के कुछ वीडियो आए हैं, कुछ अभी तथ्य आए हैं, जिसका आसपास के लोगों से मिलकर उसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर पंजाबी पक्ष द्वारा जिन दो लोगों के नाम दर्ज कराए थे उसमें नामों का इजाफा भी होगा और कुछ ऐसे लोग भी सामने आएंगे जो प्रत्यक्ष तौर पर समझ में नहीं आ रहे हैं। तो मामले में कई नाम बट जुड़ेंगे और कई चीजें कई परतें खुली बाकी है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई आरोपी नहीं है सिवाय एक ऐसा व्यक्ति जो चश्मदीप था, जिसका नाम निखिल वाल्मीकि है, उससे बातचीत करने में बहुत ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो रही है। लेकिन हमें जो कुछ जानकारी हासिल होगी कोई ना कोई आरोपी जब पकड़ में आएगा तो उससे समझ में आएगा। इसलिए मैंने दोनों आरोपी जो अभी नामजद आरोपी है दीपक और सफर, उनके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। साथ ही एसडीओपी हटा के नेतृत्व में एक टीम का भी गठन किया है ताकि इस महत्वपूर्ण और गंभीर घटनाक्रम के प्रति पंडित को उजागर करके घटना में किस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। चाहे वह आरोपी कैसे भी हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जिसने भी सहयोग किया है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कितने लोग अभी तो प्राथमिक तौर पर दो है नाम और बढ़ेंगे। सब प्रथम दृष्टा मामले में किस बात की वजह सामने आ रही है? वजह अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि हम वजह कुछ वजह जो है आरोपियों के आने के बाद ही कई बार वजह सामने आती है। कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से हत्या हुई है और वो बात बड़ी भी याद हो सकती है, इसलिए हम प्राथमिक तौर पर कोई किसी वजह को इंगित नहीं करना चाहते हैं। सर जो वीडियो वायरल हो उसमें कुछ आदमी की पहचान हो पाएगी? उसके परिजनों के साथ चर्चा करके हम उसमें निर्णय लेंगे।